दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और इस कहानी को लिखा है आर के नारायण ने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको पता है एस्ट्रोलॉजर किसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिषी को जो आपके हाथों की लकीरों को देख कर आपके फ्यूचर को बताता है तो ये कहानी एक एस्ट्रोलॉजर की है एस्ट्रोलॉजर हमेशा की तरह दोपहर को इमली के पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगाने आ गया वो अपने थैले में से एक डजन कॉरी शैल्स को निकालता है कॉरी शैल्स कुछ इस तरह के होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं इसके अलावा वो थैले में से स्क्वायर शेप का कपड़ा निकालता है जिस जिसपे बहुत मुश्किल चार्ट्स बने हुए थे ये चार्ट्स जो होते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के लिए होते हैं इन्हीं चार्ट्स को पढ़कर ये लोग भविष्यवाणी करते हैं आम इंसान के चार्ट समझ में नहीं आते एस्ट्रोलॉजर के थैले में से एक नोटबुक भी निकलती है और एक बंडल निकलता है पामायरा राइटिंग का पामायरा राइटिंग कुछ इस तरह की होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर है एस्ट्रोलॉजर ने अपने फॉरहेड पर अपने माथे पर पवित्र राख और सिंदूर लगा रखा है और उसका माथा चमक रहा था एस्ट्रोलॉजर की आंखें भी चमक रही थीं और उसकी चमकती हुई आंखें ग्राहकों को तलाश कर रही थीं उसने भगवा रंग की पगड़ी को पहन रखा है उसका राख और सिंदूर से चमकता हुआ माथा चमकती हुई आंखें और भगवा रंग की पगड़ी को देखकर लोग इस तरह से अट्रैक्ट होते थे उससे जैसे मधुमक्खियाँ फूलों को देख अट्रैक्ट होती हैं मतलब राइटर आपको बताना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर इस तरह से ड्रेसिंग करता था इस तरह के उसने अपने लुक्स बना रखे थे जिससे वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर दिखाई दे बहुत ज्ञानी लगता था दिखने में ऐसा लगता था बड़ा ज्ञान है इसको और बेचारे मासूम लोग उससे अट्रैक्ट होते थे लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा बाबा बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इस एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी का ए बी सी डी भी नहीं आता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजर इमली के पेड़ के नीचे बैठता है इमली का पेड़ रास्ते के किनारे पर है और वो रास्ता टाउन हॉल पार्क की तरफ जा रहा है दोस्तों उस रास्ते पर ना बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है सुबह से ले रात तक काफ़ी बिज़ी रहता है वो रोड काफ़ी लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी हैं और उन दुकानों पर अलग अलग तरह का लोग सामान बेच रहे हैं कुछ लोग दवाइयाँ बेच रहे हैं कुछ लोग चोरी किया हुआ सामान बेच रहे हैं हार्डवेयर बेच रहे हैं कबाड़ बेच रहे हैं कुछ लोग जादू दिखा रहे हैं मैजिशियन हैं और कुछ लोग बोली लगा के बहुत ही सस्ता कपड़ा बेच रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बिज़ी रोड है बहुत से लोगों का आना जाना है वहाँ पर और क्योंकि क्राउडेड है इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का सामान बेच रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के बराबर में ना एक तली हुई मूँगफली बेचने वाला आया है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के मूँगफली को बेच रहा है मूँगफली वाला हर रोज़ अपनी चीज़ों को एक नया फैंसी नाम देता था कभी वो बॉम्बे आइसक्रीम नाम रखता था कभी डेली एलमेंड कभी राजस् डेली मूंगफली वाले के पास में ना बहुत सारे लोग आते थे और क्योंकि लोग मूंगफली वाले के पास में आते थे तो उनकी नज़र एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी पड़ती थी जब मूंगफली वाले की दुकान चल रही है तो क्या होता था एस्ट्रोलॉजर को फ़ायदा होता था क्योंकि मूंगफली वाले के पास जो ग्राहक आते थे वो एस्ट्रोलॉजर के पास में भी चले जाते थे दोस्तों जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ था ना वहाँ पर म्यूनिसपल लाइटिंग नहीं थी और वहाँ पर रोशनी काफ़ी कम थी आसपास की दुकानों में से थोड़ी बहुत रोशनी आती थी वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के पास में किसी दुकान वाले के पास गैस लाइट है किसी के पास में फ्लेयर है किसी के पास में पुरानी साइकिल लैम्प्स हैं और ये अलग अलग तरह की लाइट्स हैं अलग अलग रंग की लाइट्स हैं कोई धीमी जलती है इसमें कोई तेज़ जलती है कोई पीले रंग की है कोई हरे रंग की है कोई नीले रंग की है समझ में आ रहा है अलग अलग तरह की लाइट्स हैं कहना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर म्यूनिसपल लाइटिंग नहीं है और सब दुकान वालों ने अपनी अपनी लाइट्स को जला रखा है वहाँ पर और उन दुकान वालों की लाइट से थोड़ी बहुत रोशनी एस्ट्रोलॉजर के पास में भी आ जाती है दोस्तों इस कम रोशनी से ना एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि वह एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं वह तो मामू बना रहे है लोगों को तो कम रोशनी में मामू बनाने में आसानी होती है ज़िंदगी की मजबूरियों ने अपने पेट को भरने के लिए उसको एस्ट्रोलॉजर बना दिया था जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको एस्ट्रोलॉजी का ए बी सी डी भी नहीं पता इसको तो ख़ुद नहीं पता है कि इसके साथ में भविष्य में क्या होगा तो भला ये कैसे दूसरे लोगों के भविष्य को बता सकता है सितारों के बारे में इसको इतना ही पता था जितना इसके भोले भाले मासूम ग्राहकों को पता था इसके ग्राहकों को भी नहीं पता सितारों के बारे में कुछ और इसको भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजर इस तरह से बातें करता था कि उसकी बातों के जादू में ग्राहक उलझ जाया करता था उसकी बातों में फंस जाया करता था ग्राहक को आश्चर्य होने लगता था कि इस एस्ट्रोलॉजर को इतना सब कुछ कैसे पता है और ग्राहक खुश होता था एस्ट्रोलॉजर को सुन के देखो इस सब के पीछे ना एस्ट्रोलॉजर ने बहुत ज़्यादा स्टडी की है प्रैक्टिस करी है उसने बहुत ज़्यादा कि अंदाज़ा कैसे लगाया जाए अंदाज़ा लगाना सीखा उसने ताकि वो लोगों को मामू बना सके एस्ट्रोलॉजी करते करते ना उसको समझ में आ गया था कि किस तरह से अंदाज़ा लगाना है किस तरह से बात करनी है किस तरह से पता लगाना है कि ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है किस परेशानी में ग्राहक उलझा हुआ है और वो आसानी से अपने ग्राहकों को मामू बना देता है अब ऐसा क्या हुआ था एस्ट्रोलॉजर के साथ में कि उसको पेट भरने के लिए ये सब ढोंग करना पड़ रहा है ये सब आपको आखिर में पता लगेगा देखो एस्ट्रोलॉजर अपने गाँव से भाग गया था अगर वो अपने गाँव में रहता ना तो उसको अपने फ़ैमिली बिज़नेस को करना पड़ता उसका एक फ़ैमिली बिज़नेस था गांव में उसके दादा पर दादा सभी लोग फार्मिंग करते थे सभी के सभी किसान थे उसके घर में और उसको भी किसान बनना पड़ता खेती बाड़ी करनी पड़ती अगर वो गांव में रहता तो लेकिन गांव में कुछ ऐसा हुआ उसके साथ में जिसकी वजह से उसे गाँव को छोड़कर भागना पड़ा और वो तब तक नहीं रुक सकता था जब तक अपने गाँव से बहुत दूर ना आ गया मतलब राइटर आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत घबराहट में भागा वो गांव छोड़ के किसी को बताया भी नहीं उसने और तब तक नहीं रुका जब तक कई मील दूर ना आ गया अब कौन सी वजह थी ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे अपने गाँव से भागना पड़ा ये सब आपको कहानी के आखिर में पता लगेगा दोस्तों एक देहाती इंसान का अपना गांव छोड़ के घर बार छोड़ के कहीं और जाके बसना एक बहुत बड़ा काम है बहुत मुश्किल काम है मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजर तीन तरह के परेशानियों को दूर करता है शादी की परेशानी पैसे की परेशानी और रिलेशन्स में जो उलझने पैदा हो जाती हैं ना उन उलझनों का समाधान भी है हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास देखो 90 परसेंट परेशानियाँ तो इन तीन कैटेगरीज में ही आती हैं ठीक है या तो पैसे की परेशानी होगी या तो शादी की परेशानी होगी या फिर अपने रिश्तेदारों से परेशान हैं लोग रिलेशंस में बहुत ज़्यादा उलझने हैं अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजर मामू बनाने में एक्सपर्ट बन चुका है तो वो पाँच मिनट के अंदर पता लगा लेता है कि बंदा कौन सी परेशानी से जूझ रहा है और एक क्वेश्चन के लिए एस्ट्रोलॉजर पता है कितना चार्ज करता है तीन पाइस मैं आपको बताऊं 1947 से पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस ज़माने में पाई चलता था पाई था पाई के बाद पैसा था पैसे के बाद आना था आना के बाद था रुपया अब पाई पैसा आना तीनों बंद हो गए रुपये से स्टार्ट होता है एक रुपये से स्टार्ट होता है जैसे आपने सुना होगा कि पाई पाई करके मैंने ये घर बनाया है पाई पाई करके मैंने ये रकम जोड़ी है तो पाई बहुत ही छोटी अमाउंट है और अपना एस्ट्रोलॉजर तीन पाई चार्ज करता है एक क्वेश्चन के दोस्तों एस्ट्रोलॉजर बड़ी मकारी करता था देखो जब भी कोई कस्टमर आता था ना परेशानी लेके तो एस्ट्रोलॉजर उसकी बात को सुनता था दस मिनट तक दस मिनट तक कुछ नहीं बोलता था वो बिल्कुल ध्यान से सुनता था समझता था कस्टमर को और दस मिनट में उसको बहुत सारा डेटा मिल जाया करता था और उस डेटा के साथ वो ग्राहक के सभी सवालों के जवाब दे सकता था बहुत से सुझाव दे सकता था ठीक है समझ में आ रहा है जब ग्राहक उसके पास में आता था एस्ट्रोलॉजर के पास में तो एस्ट्रोलॉजर उस ग्राहक को बोलने देता था कि तुम अपनी परेशानी के बारे में बताओ क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे साथ ज़िंदगी में तो जब 10 मिनट तक बोल लिया करता था ग्राहक तो एस्ट्रोलॉजर के पास में इतना डेटा हो जाया करता था कि वो ग्राहक के सभी सवालों के जवाब दे सके एस्ट्रोलॉजर हाथ की लकीरों को देख कर ग्राहक से ये बोलता था कि तुम मेहनती तो बहुत हो पर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा तुम्हें अब देखो ये सवाल आप जिस किसी से भी करोगे ना हर कोई एग्री करेगा ये ऐसा सवाल है जो हम सब पर फिट होता है क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा चाहिए ज़िंदगी में हम कभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं तो दस में से नौ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है हम मेहनत तो करते हैं पर मेहनत के हिसाब से हमें फल नहीं मिलता या फिर एस्ट्रोलॉजर पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई औरत है या कोई दूर के रिश्तेदार हो जो तुम्हें पसंद नहीं करती हो अब देखो ये क्वेश्चन भी कॉमन है इतने सारे रिश्तेदारों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिससे आपका पंगा चल रहा होगा समझ में आ रहा है ना एस्ट्रोलॉजर की मकारी यहाँ राइटर आपको समझाना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर कुछ गिने चुने कोश्चन्स ऐसे पूछता था जो सभी लोगों पर लागू होते थे लगभग हर कोई उन कोशन से एग्री करता था या फिर एस्ट्रोलॉजर ग्राहक के करेक्टर को एनालाइज करने लग जाता है एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ज़्यादातर परेशानियां तुम्हारे नेचर की वजह से हैं तुम्हें गु़स्सा बहुत ज़्यादा आता है और तुम बाहर से बहुत सख्त हो इस तरह की बातें करके ना एस्ट्रोलॉजर ग्राहक के दिल को जीत लिया करता था हर कोई ये सोचता है यार कि मैं बाहर से बहुत कठोर हूँ सख्त हूँ रिड हूँ लेकिन अंदर से दिल का बड़ा साफ़ हूँ बात आ रही समझ में हर कोई ये सोचता है कि मैं बाहर से बहुत सख्त हूँ और अंदर से बहुत नर्म हूँ तो वो सवाल करता है एस्ट्रोलॉजर उसका करेक्टर एनालाइज करता है कि तुम बाहर से तो बहुत सख्त हो लेकिन अंदर से नर्म हो अब ज़्यादातर केसेस में लोग इस तरह से सोचते हैं अपने बारे में तो वो कहते हैं हाँ ठीक बात है सही कह रहे हो तो इस तरह से मामू बनाता था एस्ट्रोलॉजर ग्राहकों को दोस्तों अब क्या होता है बराबर वाली दुकान पर जो मूंगफली बेच रहा होता है ना वो अपनी लाइट बंद करके खड़ा हो जाता है और वो जा रहा होता है अब मूंगफली वाले ने दुकान बंद कर दी है तो एस्ट्रोलॉजर को भी सिग्नल मिला अपने सामान को समेटने का और दुकान बंद करने का क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया लाइट बंद होने से एक ग्रीन कलर की लाइट आ रही है कहीं से एस्ट्रोलॉजर की दुकान पर एस्ट्रोलॉजर अपने कॉरी शैल्स को और बाकी सभी सामान को समेटने लगता है दोस्तों इस दौरान एस्ट्रोलॉजर एक इंसान को खड़ा देखता है अपनी दुकान पर एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि शायद ये मेरे ग्राहक बन जाएँ और पैसा कमाने की उम्मीद में ही वो उस आदमी से कहता है आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं अगर आप थोड़ी देर मेरे पास में बैठे और मुझसे बात करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा सामने खड़ा आदमी गुस्से में बुड़बुड़ाने लगता है आदमी कहता है तो तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो एस्ट्रोलॉजर को इस तरह का एटीट्यूड चैलेंज कर देता है एस्ट्रोलॉजर उस आदमी की हथेली को पकड़ता है और ग्रीन कलर की जो लाइट आ रही होती है ना वहाँ पर उस ग्रीन कलर की लाइट में हथेली करके कहता है तुम्हारा नेचर एस्ट्रोलॉजर ने कुछ कहना शुरू ही किया होता है कि तभी वो आदमी उसे रोक देता है आदमी कहता है अरे चुप करो यार ये सब मुझे कुछ बढ़िया बताओ बोलने है तो कुछ काम का बोलो एस्ट्रोलॉजर कहता है अरे अरे मेरा दोस्त तो नाराज़ हो गया मैं फ्री में तो कुछ जवाब देता नहीं हूँ मैं एक क्वेश्चन का थ्री पाइस चार्ज करता हूँ और जो तुम पैसा दोगे ना मुझे वो पैसा तुम्हारा ज़ाय नहीं होगा सही जगह पर पैसा तुम खर्च करोगे यकीन मानो आदमी अपनी जेब से एक आना निकालता है और एस्ट्रोलॉजर की तरफ फेंकता है और कहता है कि ये ले एक आना ले लेकिन जो मैं सवाल करूंगा ना तुझसे अगर उस सवाल पर मुझे लगा कि तू अटक रहा है या तू घबरा रहा है तुझे जवाब नहीं आता तो फिर मैं ये आना तुझे इंटरेस्ट के साथ वापस लूँगा सूच समेत वापस लूँगा अपना पैसा एक आना मैंने आपको बताया ना पाई से ज़्यादा होता है पहले पाई आता है फिर पैसा आता है पैसे के बाद आना आता है ये कंडीशन सुन के एस्ट्रोलॉजर कहता है अच्छा चलो ठीक है अगर मैंने तुम्हें सही आंसर दे दिया तुम सेटिस्फाई हो गए मेरे जवाब से तो क्या तुम मुझे पाँच रुपया दोगे पाँच रुपये बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में तो वह आदमी साफ़ मना कर देता है एस्ट्रोलॉजर कहता है अच्छा तो आठ आना दोगे आदमी कहता है ठीक है आठ आना दूंगा तुम्हें लेकिन कंडीशन ये है कि अगर तुम गलत हुए एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि अगर तुम गलत हुए ना तो फिर तुम्हें डबल पैसा लौटाना पड़ेगा अगर तुमने सही जवाब दिया तो आठ आना मैं दूंगा लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो सोलह आना तुम्हें देने पड़ेंगे मुझे डबल पैसा देना पड़ेगा कुछ देर तक इनकी बहस यूँ ही चलती रही और फाइनली एग्रीमेंट हो गया एस्ट्रोलॉजर आसमान में घाट के पास में दुआ को भेज रहा होता है तैयारी करने लगता है वो और जो आदमी था ना वो अपने सिगार जलाता है जैसे ही वो आदमी माचिस को जलाता है सिगार जलाने के लिए तो एस्ट्रोलॉजर को उसके चेहरे की एक झलक दिखाई दे जाती है मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था दुकानें भी बंद हो गई थी लाइट नहीं थी वहाँ पर तो ये लोग एक दूसरे का चेहरा देख नहीं पा रहे थे लेकिन जब वो आदमी सिगार को जलाता है तो एस्ट्रोलॉजर को उसके चेहरे की एक झलक दिखाई दे जाती है और एस्ट्रोलॉजर को पता लग जाता है कि वो आदमी दिखने में कैसा है आदमी सिगार पीता हुआ वहाँ पर बैठ गया और उस आदमी का चेहरा देखकर जोशी बड़ा घबरा जाता है उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है आदमी का चेहरा देखकर जोशी की एस्ट्रोलॉजर क्यों डर गया आदमी का चेहरा देखकर कर ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा तो एस्ट्रोलॉजर आदमी से कहता है ये 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 लो अपना आना वापस मैंने इस तरह के चैलेंजेस नहीं मैं नहीं करता इस तरह के चैलेंजेस वगैरह आज बहुत आज बहुत देर हो चुकी है इतना कहकर एस्ट्रोलॉजर ना अपना सामान पैक करने लगता है बहुत घबरा गया है वो उसके हाथ पैर फूलने लग गए आदमी एस्ट्रोलॉजर की कलाई को पकड़ लेता है और कलाई पकड़ के कहता है अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पर बिठाया है एस्ट्रोलॉजर का जिसम काँपने लगता है और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और मदहोशी छाने लगती है उसको मतलब उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आज आज मुझे जाने दो मैं कल तुमसे बात करूंगा। उस आदमी ने अपनी हथेली को एस्ट्रोलॉजर के मुंह पर अड़ा दिया और आदमी कहता है चैलेंज तो चैलेंज है चल शुरू कर एस्ट्रोलॉजर अपने गले को साफ़ करते हुए घबराहट से कहता है एक औरत थी आदमी कहता है चुप कुछ और बता मुझे ये औरत औरत का कुछ नहीं सुनना है मुझे ये पता कि जो आदमी मैं ढूंढ रहा हूँ जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका जवाब दे और चला जाए यहाँ से अगर जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू अपना पूरा पैसा मुझे ना दे दे तेरा पूरा पैसा छीन लूँगा अगर जवाब नहीं दिया तूने तो जवाब दे फटाफट फड़ कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी एस्ट्रोलॉजर अपने मन में कुछ जादुई मंत्र बुड़बुड़ाने लगता है और फिर जवाब देता है एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ठीक है मैं बोलता हूँ <laughs> लेकिन लेकिन अगर मेरा जवाब सही निकला ना तो क्या तुम मुझे एक रुपया दोगे अगर एक रुपया नहीं दोगे तो, तो फिर मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा तुम्हें जो करना है कर लो अब दोनों के बीच में बारगेनिंग चलती है दोनों लोग पैसे को कम ज़्यादा करवाते हैं बार्गेनिंग करते हैं लेकिन आखिरकार ये तय होता है कि वह आदमी एस्ट्रोलॉजर को सही जवाब देने पर एक रुपया देगा दोस्तों अब एस्ट्रोलॉजर उस आदमी से कहता है कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था सही कह रहा हूँ ना मैं मरने के लिए छोड़ दिया गया था ना तुम्हें आदमी आह भरता है और कहता है और बताओ एस्ट्रोलॉजर आगे कहता है कि एक बार तुम्हारे अंदर चाकू को उतार दिया गया था तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था चाकू से आदमी खुश हो जाता है एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनकर वो कहता है बहुत बढ़िया दोस्त और अपनी छाती खोल दिखाता है उसकी छाती पर ना चाकू का निशान होता है तो छाती खोल के चाकू का निशान दिखाता है एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजर आगे बताता है कि तुम्हारे ऊपर चाकू से हमला करने के बाद तुम्हें मरने के लिए कुएं में फेंक दिया गया था आदमी कहता है कि मैं तो मर ही गया होता वहाँ पर अगर वहाँ से गुजरने वाला एक इंसान उस कुएं में नहीं झाँक के देखता तो मैं तो मर गया होता आदमी एस्ट्रोलॉजर की सही बातों को सुनकर ना काफ़ी एक्साइटेड हो चुका है एस्ट्रोलॉजर की सभी बातें सही निकल रही हैं बिल्कुल सही बता रहा है वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए वो आदमी पूछता है एस्ट्रोलॉजर से कि जिसने मेरे ऊपर ये हमला किया था जानलेवा वो इंसान मुझे कब तक मिलेगा बड़ा गु़स्सा आ रहा है उस आदमी को ना मुट्ठी डाइट हो गई है उसकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस इंसान के ऊपर किसी बंदे ने कई साल पहले हमला किया था जानलेवा और इसे फेंक दिया था मरने के लिए अब कई सालों बाद ये आदमी उस बंदे की तलाश में भटक रहा है इधर से उधर और वो एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि मुझे वो बंदा कहाँ मिलेगा समझ में आ रहा है ना इस दुनिया में नहीं मिल सकता है वो बंदा क्योंकि वो चार महीने पहले ही दूर के इलाके में मर चुका है अब तुम्हें वो बंदा कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वो मर चुका है चार महीने पहले एस्ट्रोलॉजर की ये बातें सुनकर वो आदमी कर रहाने लगता है मचलने लगता है क्योंकि उसे वो बंदा चाहिए था जिसने उस पर हमला किया था चाकू से जब वो सुनता है कि वह बंदा मर चुका है तो काफ़ी मचलने लगता है कर लगता है क्योंकि अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों अब एस्ट्रोलॉजर इस इंसान का नाम पुकारता है गुरु नायक आदमी चौंकते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है तुम जानते हो मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं जिस तरह से बाकी चीज़ों को जानता हूँ ना वैसे ही तुम्हारा नाम भी जानता हूँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो गुरु नायक तुम्हारा गांव दो दिन की दूरी पर नॉर्थ साइड में पड़ता है अगली ट्रेन पकड़ो और जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ मैं दोबारा से एक बड़ा ख़तरा तुम्हारे ऊपर मंडराता हुआ देख रहा हूँ अगर तुम अपने घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे ऊपर एक ख़तरा मंडराता हुआ देख रहा हूँ मैं घर में ही रहो घर से बाहर निकलोगे तो एक बड़ा ख़तरा है तुम्हारे ऊपर एस्ट्रोलॉजर एक चुटकी पवित्र राख की निकालता है और गुरु नायक को दे देता है और कहता है कि इस पवित्र राग को अपने माथे के ऊपर लगा लो और अपने घर में चले जाओ साउथ की तरफ अब कभी ट्रैवल मत करना अगर मेरा कहना मानोगे तो सौ साल तक जिओगे गुरु नायक कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्यों आऊँगा साउथ में मैं तो बार बार उस बंदे की वजह से यहाँ पर आता था उसको ढूंढने के लिए और अगर वो इंसान मुझे मिल जाता ना तो उसका गला घोट देता मैं गुरु नायक अफसोस में अपना सर हिलाता है और कहता है कि वो मेरे हाथों से निकल गया मुझे उम्मीद है जैसी मौत वो डिज़र्व करता है वैसी मौत उसे मिली होगी एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ वो इंसान ट्रक के नीचे कुचला गया था एस्ट्रोलॉजर की यह बात सुनकर गुरु नायक राहत की सांस भरता है उसको बड़ी खुशी होती है सुनकर कम से कम मेरे ऊपर हमला करने वाला ट्रक से कुचल मरा जैसी मौत वो डिज़र्व करता था उसको वैसी मौत मिली दोस्तों अब वो जगह पूरी तरह से सोनी हो चुकी है वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है और जो थोड़ी बहुत ग्रीन लाइट आ रही थी ना वहाँ पर अब वो भी आनी बंद हो चुकी है पूरा अंधेरा हो गया है एस्ट्रोलॉजर ने अपने सामान को पैक कर लिया था और गुरु नायक भी एस्ट्रोलॉजर को मुठ्ठी भर सिक्के दे के वहाँ से चला गया जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पर पहुंचा तो आधी रात होने ही वाली थी उसकी वाइफ दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी और वह पूछने लगे एस्ट्रोलॉजर को देख कर कि आज क्या हो गया था इतनी देर क्यों हो गई एस्ट्रोलॉजर अपने वाइफ़ की ओर सिक्के फेंक कर कहता है कि गिनो इन्हें कितने सिक्के हैं ये सारे सिक्के एक ही आदमी ने दिए हैं वाइफ सिक्कों को गिनने लगती है और कहती है कि साढ़े बारह आने और उसकी वाइफ़ बहुत खुश हो जाती है कहती है कि कल मैं अब कुछ गुड़ और नारियल ख़रीद सकती हूँ बच्चे बहुत दिनों से मिठाई खाने की ज़िद्द कर रहे थे मैं कुछ बहुत बढ़िया बनाऊँगी बच्चों के लिए एस्ट्रोलॉजर जब सुनता है कि साढ़े बारह आने सिक्के हैं तो वह कहता है सुअर के बच्चे ने मुझे धोखा दे दिया उसने मुझे कहा था कि मुझे एक रुपया देगा उसकी बीवी पूछने लगी क्या हुआ सब ठीक तो है तुम परेशान नज़र आ रहे हो कुछ नहीं हुआ रात का खाना खाने के बाद एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ़ के साथ में चरपाई के ऊपर बैठा होता है और अपनी वाइफ से कहता है कि क्या तुम जानती हो एक बहुत बड़ा भोज मेरे सर पे से उतर गया है आज इतने सालों से मुझे ये लगता था कि मेरे हाथ एक इंसान के खून में संधे हुए हैं मेरे हाथों एक इंसान का खून हुआ है और इसी वजह से मैं अपने घर को भी छोड़ के भागा था और यहाँ पर आके बस गया था और मैंने तुमसे शादी की थी यहाँ पर आके। लेकिन वो इंसान जिसे मैं समझ रहा था कि मर चुका है वो इंसान मरा नहीं था ज़िंदा है एस्ट्रोलॉजर की बीवी हाफते हुए पूछती है तुमने तुमने जान से मारने की कोशिश की थी उसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं हाँ अपने गांव में जब मैं एक बेवकूफ़ नौजवान था हम लोग शराब पीते थे जुआ खेलते थे और एक दिन हमारी काफ़ी बुरी लड़ाई हो गई अब छोड़ो इन बातों को यार क्या रखा है क्या सोचना इन बातों के बारे में सोने का टाइम है जमाई लेते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा और चरपाई पर अंगड़ाई ली तो कहानी के आखिर में हमें पता लग रहा है कि गुरु नायक पर जिसने हमला किया था वो एस्ट्रोलॉजर खुद था और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको महाराष्ट्र बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में जय हिंद